आज की ये वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जो कि हेयर फॉल से परेशान हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर झड़ चुके हैं और वो अपने बालों को वापस लाना चाहते हैं या फिर वापस से रिग्रो करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए, हमारे बालों में ग्रोथ के लिए एक साइकिल चलती है जिसमें कि तीन फेज होती हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। तो ये तीनों फेज अच्छे से हो या फिर इनमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए हमें सल्फर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सल्फर इन तीनों स्टेज को अच्छे से परफॉर्म करता है। इसके बाद नंबर टू पे है ब्लड सर्कुलेशन। यदि हमारे बालों में या फिर हमारे स्कैल्प में अच्छा सर्कुलेशन नहीं होगा, तब भी हमारे बाल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत भी होती है। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात है क्लियर हेयर फोलिकल्स, यानी कि जो हमारे हेयर फोलिकल्स हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। एंड नंबर फोर पे है स्ट्रेस। देखिए, हमारे स्कैल्प में या फिर हमारे माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव की स्थिति में भी हमारे हेयर फोलिकल सही से काम नहीं कर पाते हैं, हमारी रूट्स काफ़ी वीक हो जाती हैं। एंड नंबर फाइव पे है और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट नरिशमेंट। हमें अपने बालों को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे वो अच्छे से ग्रो कर सके। अब हम जान लेते हैं कि आपको ये पांचों चीज़ें कहाँ से मिल सकती है। तो पहले हमने बात की थी सल्फ़र की, तो सल्फ़र आपको अनियन ऑयल में मिल जाता है। आप अनियन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको सल्फ़र मिल जाता है, जो कि आपके हेयर साइकिल में काफ़ी हेल्प करता है। नंबर टू हमने बात की थी ब्लड सर्कुलेशन की, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप भृंगराज ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे अपनी फिंगर पर लेना है और अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर थ्री पर हमने बात की थी हेयर फोलिकल्स को क्लीन करने के लिए, तो इसके लिए आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यह हमारे स्कैल्प में जमी इम्प्योरिटीज़ को पूरी तरह से हटा देता है और यदि किसी के डैंड्रफ रहता है तो उसे भी ये पूरी तरह से रिमूव कर देता है। एंड नंबर फोर पे हमने बात की थी स्ट्रेस के लिए, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए या फिर अपने स्कैल्प को डिस्ट्रेस करने के लिए आप ब्राह्मी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम कर देता है। एंड नंबर फाइव पे हमने बात की थी नरिशमेंट के लिए, तो नरिशमेंट के लिए आप जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे हेयर फोलिकल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इसमें विटामिन ए एंड ई दोनों ही पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर फोलिकल्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पांच ऑयल की ज़रूरत होती है। इसमें पहला है अनियन ऑयल, दूसरा है भृंगराज ऑयल, तीसरा है टी ट्री ऑयल, फोर्थ है ब्राह्मी ऑयल एंड फिफ्थ है जोजोबा ऑयल। और आपको ये पांचों ही ऑयल मार्स कंपनी के हेयर ग्रोथ ऑयल में भी मिल जाते हैं, तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी नेचुरल ऑयल का यूज़ किया गया है, इसमें किसी भी मिनरल ऑयल को नहीं मिलाया गया है। और आपको इसके अलावा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आंवला, आर्निका, जटामासी, रोजमेरी, नीम, मेथी। तो ये सभी भी हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक तरह से कंप्लीट हेयर ग्रोथ ऑयल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम आपको इसकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और आप इसे परचेस भी कर सकते हैं।